गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने अपनी इकोनॉमी जो है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, उसको इंटग्रेट करना है दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ के साथ, ठीक है? कि हमने बिजनेस करना है हमारी कंट्रीज़ के अलावा दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, राइट? कि इंटरनेशनल लेवल तक हमने अपने बिजनेस को लेकर जाना है, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोल देंगे। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं, राइट? तो इसके एक एग्जांपल है, जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल है, मैकडॉनल्ड, अमेज़ॉन, ये सारे इंटरनेशनल बिजनेस है जिनकी फ्रेंचाइजिंग इंडिया में भी है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में भी है। तो ये सारे क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन क्या है? द ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज थ्रू इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज एंड ऑल्सो थ्रू द मोर वाइड स्प्रेड फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है जो एक दूसरी कंपनीज के बीच में होती है, ठीक है? जिससे थ्रू इंक्रीजिंग वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से, वैरायटी क्रॉस बॉर्डर की इंक्रीज़ करने से, गुड एंड सर्विसेज में इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो को इंक्रीज़ करने से और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने से, ठीक है? ये सारी चीज़ों से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होती है, राइट? तो इसके है नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ग्लोबलाइजेशन से हम जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी कंट्री में लेबर जो है वो बहुत चीप है, बहुत सस्ते रेट पर हमें वो एक कंपनी से वो लेबर हमें मिलती है, तो उसको हम वो लेबर अपनी कंपनी से, अपनी कंट्री में से लेने के बजाय हम उस कंट्री से ले लेंगे जहाँ पर जो लेबर है बहुत ही चीप रेट्स पर मिलती है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? सेकेंड इज़ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब हमारा बिजनेस जो है वो ग्लोबली एक्सपेंड हो जाएगा तो वहाँ पर काम करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी, तो उससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि अब देखिए इंडिया में है मैकडॉनल्ड की, ठीक है? मैकडॉनल्ड जो है इंडिया में, तो वो अब जब एक मैकडॉनल्ड इंडिया में ओपन हुआ है, इंडिया में बहुत सारी जगह में है ना मैकडॉनल्ड ओपन हुआ है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो फॉरेन के थोड़ी ना है। अगर मैकडॉनल्ड फॉरेन की कंपनी है बट वो फॉरेन के एम्प्लॉयज़ थोड़ी ना, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ तो इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? पंजाब में मैकडॉनल्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह में, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ तो पंजाब के ही हैं, हमने बाहर से थोड़ी ना लाए। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ हमारी ग्लोबलाइजेशन बिजनेस, हमारी कंपनीज़ खुलती हैं, तो वहाँ वहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, राइट? नेक्स्ट इज़ इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? कि जब हमें एम्प्लॉयमेंट मिल गया, अब हमारे पास हम जब जो बंदे जिस बंदे के पास पहले काम नहीं था, अब उसके पास काम है, तो उसके पास काम है तो वो अब क्या, उसको सैलरी मिल रही है, जो भी वेजेस सैलरी मिल रही है, तो उससे वो अपने जो खर्चे हैं, ठीक है, फूड के एक्सपेंसेस कर सकता है, अपने खाने पीने के लिए फूड, अपना कपड़े लेकर आ सकता है, तो जिससे उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन में हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? हमारे जो आइडियाज़ होते हैं एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होते हैं, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, सारे हमारे आइडियाज़, हमारी नॉलेज की, ये सारा कुछ ट्रांसफ़र होता है। तो जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी की कमी है, रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा लेंगे ना। अगर हमें यहाँ, मतलब मान लीजिए हमें इंडिया से कोई, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, उसको इंडिया से टेक्नोलॉजी सस्ती मिल रही है, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया से मंगवा लेगा ना, इंडिया से एक्सपोर्ट करवा लेंगे हम। यह कि अगर हमारे पास, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया में रिसोर्सेज हैं, हमें ना किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें इंडिया में वो टेक्नोलॉजी जो है वो कॉस्टली पड़ रही है, तो हम वहाँ बाहर से एक्सपोर्ट करवा लेंगे, राइट? नेक्स्ट इज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जैसे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैसे होगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि देखिए
अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनका ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहा है, तो जो वेस्टेज होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है ना, वेस्टेज जो हो रही हैं वो एलिमिनेट ही हो जाती हैं एक तरह से। तो जो वेस्टेज इन एलिमिनेट हुई उससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज ही होगी, राइट? कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, जिससे हम ज़्यादा टाइम तक हमारी जो कंपनी है वो सस्टेन करेगी, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए वो सर्वाइव कर पाएगी मार्केट में। तो ये सारे थे इसके एडवांटेजेस, राइट? होप आपको ये एडवांटेजेस सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।